एक्चुअली जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि भैया ये एक अकेला अमित शाह तुम सब पे भारी हो रहा है, कुछ ताकत लगाओ ताकि मैं इसके खिलाफ एक्शन ले सकूं। रियल भाई भाई तो अमित शाह साहब और अडानी हैं। मोदी जी तो क्योंकि अमित शाह साहब के भाई हैं इसलिए अडानी जी के भी भाई हैं। अमित शाह साहब सब पे भारी हो ये उनकी पीड़ा हो कि अच्छा वो भी अमित शाह साहब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो विपक्ष को एक अडानी जी सब पे भारी नहीं है, एक अमित शाह साहब सब पे भारी हैं। हर मुश्किल परेशानी से तो अमित शाह साहब को मोदी जी ने बचाया है, आज भी वही कर रहे हैं। डायरेक्ट अमित शाह साहब की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसलिए मोदी जी कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते। एक तरफ विपक्ष लगातार अडानी 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 कर रहा है तो दूसरी तरफ आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की शुरुआत जैसे ही हुई तो विपक्ष ने अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगाना शुरू कर दिया। कई मिनट तक ये होता रहा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ गए, फिर दोबारा खड़े हुए और भाषण शुरू किया गया। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे भाषण में अडानी के लिए एक लफ्ज़ भी क्यों नहीं बोला, जबकि बहुत सारे सवाल राहुल गांधी के ज़रिए किए गए, विपक्ष के ज़रिए किए गए, लेकिन आज पीएम ने एक भी बात नहीं कही और विपक्ष के उन किसी सवालों का जवाब नहीं दिया जो विपक्ष लगातार पूछ रहा था। तो अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद हैं। पराचा साहब, आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भाषण देने खड़े हुए तो मोदी अडानी भाई भाई के नारे विपक्ष की तरफ से लगाए गए, इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ जो आज पार्लियामेंट में भी उठ रही है और पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का मुद्दा बना हुआ है। ये बात मैं कम से कम बहुत पहले से कह रहा हूँ कि अमित शाह साहब का पैसा ही अडानी साहब हैंडल कर रहे हैं, ये सारा पैसा जो है अमित शाह साहब का है। तो अब अमित शाह साहब के खिलाफ या अमित शाह साहब के बारे में कोई भी कमज़ोर या कच्ची बात बोलना आज तक मोदी जी ने बोली है कोई? हर मुश्किल परेशानी से तो अमित शाह साहब को मोदी जी ने बचाया है, आज भी वही कर रहे हैं। तो ये उम्मीद करना कि मोदी जी इस विषय में बोलेंगे तो ये बिल्कुल बेमानी है। ये डायरेक्ट अमित शाह साहब की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसलिए मोदी जी कुछ नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलेंगे तो अमित शाह साहब उनसे नाराज हो जाएंगे। ये साफ साफ मैसेज लोगों को समझ लेना चाहिए। आज ज़रूरत इस बात की है, मैं एक ही बात शुरू से कहता आ रहा हूँ जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है, इसमें तीन चार चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली चीज़, मिस्टर अडानी को अरेस्ट करना चाहिए पहले, और वो हैं कहाँ, कहाँ हैं वो? घर होंगे अपने? नहीं तो होंगे लेकिन वो भाग जाएंगे ना। ये भाग आप जाएंगे? जैसे नीरव मोदी भाग गया, जैसे ललित मोदी भाग गया, क्यों भागे थे ये लोग? जैसे मेहुल चौकसी भाग गया, क्यों भागा था मेहुल चौकसी? क्यों क्यों भागा था विजय माल्या? और क्यों बहुत सारे देश के जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन हैं देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं ताकि वो पैसा कानून के जरिए से वापस ना कराया जा सके, इसीलिए अडानी जी भागेंगे। तो तैयारी वगैरह सब हो गई होगी भागने की अब तक? क्योंकि अभी तक तो विजिबल हैं, आपने कहा कि कहाँ है, मैंने कहा अपने घर पर होंगे, वो अभी तो विजिबल है ना, अभी एकदम से वो अदृश्य नहीं हुए हैं, अभी इनविजिबल नहीं हुए। आखिरी बार उन्हें कहाँ देखा गया था? रजत शर्मा जी के शो पे या इसराइल में? आखिरी बार या देखा कहाँ गया था? इस पे भी जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी, कब तक बचाएंगे अमित शाह साहब उन्हें? अभी टैक्स की रेड हुई, उससे बचा लिया, कब तक बचाएंगे? तो सबसे पहला काम जो होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए पहली चीज़, उसके बाद इंटेरोगेशन करनी चाहिए वीडियोग्राफी के सहित, और वो वीडियोग्राफी 24 आवर्स की वीडियोग्राफी होनी चाहिए ताकि ये साफ पता लगे कि क्या क्या बताया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उन्होंने और क्या क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पूछा, छुपाया। पूछा तो हम लोग क्वेश्चनर देंगे ना, जैसे ही अरेस्ट करेंगे फिर मैं एक क्वेश्चनर इशू करूंगा। अच्छा। कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इनसे ये पूछे नामों सहित कि किसने क्या क्या कहाँ कराया था, किस कंट्री में किसने सेटिंग कराई थी, वो मैं नाम भी दूंगा अभी। अच्छा, चाइना में किसने सेटिंग कराई थी, जापान में किसने सेटिंग कराई थी, सिंगापुर में किसने सेटिंग कराई थी, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में किस किस कंट्री में किस किस ने सेटिंग कराई थी, वो मैं नाम दूंगा। पहले अडानी साहब अरेस्ट तो हो जाएं। आज का जो भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कल जो दिया था, उसमें मीडिया ने जो हेडिंग्स लगाई हैं अपनी, सारे अखबारों की बात हम कर लें, पूरे नेशनल मीडिया के जो वेब पोर्टल्स हैं उनकी बात हम कर लें,
सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो चीज़ें कोट की हैं कि जिसमें मोदी गरजते नज़र आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे कि आज कहा कि एक अकेला सीने पर हाथ मार के कहा कि एक अकेला सब पर भारी है, तो वो बाकायदा तौर पर हेडिंग चल रही है। किसी ने ये तक नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूरे मामले पर एक लफ्ज़ नहीं कहा कि जिस पर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था। नहीं, वो हो सकता है अपनी बेबसी भी जाहिर कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि एक अमित शाह अकेला सब पे भारी है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक अकेला कितनों को संभाले, उन्होंने कहा एक अकेला सब पर भारी। वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है अमित शाह साहब सब पे भारी हो, ये उनकी पीड़ा हो। अच्छा, कि वो भी अमित शाह साहब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लफ्जों के पीछे भावना भी समझने की चेष्टा कीजिए, मोदी जी की भावना। वो ये कह रहे हैं मैं क्या करूं, एक अकेला तुम सब पे भारी पड़ रहा है। तो विपक्ष को एक अडानी जी सब पे भारी नहीं है, एक अमित शाह साहब सब पे भारी हैं। तो इसीलिए, क्योंकि देश के जितने बाकी बिजनेसमैन हैं उन सबसे ज्यादा अडानी जी सब पे भारी होगा ना, सारे बिजनेसमैन पे। जो अंबानी साहब भी चाहिए, जो दूसरे सबसे प्रिय आरएसएस और मनुवादियों के मित्र हैं, उन पे भी भारी हो गए थे। मगर वो अडानी साहब नहीं है एक अकेला सब पे भारी, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। वो एक्चुअली जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि भैया ये एक अकेला अमित शाह तुम सब पे भारी हो रहा है, कुछ ताकत लगाओ ताकि मैं इसके खिलाफ एक्शन ले सकूं, ऐसा उसको पढ़ा जाना चाहिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ। लेकिन ये मीडिया का जो पूरा रोल है इसमें, वो कैसे देखते हैं? मीडिया कौन सी मीडिया? नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मतलब बेईमान और क्रिमिनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं जिसे बेईमान और क्रिमिनल मीडिया जिसे कहता हूँ, वो लोग तो अभी लेटेस्ट वर्जन तो है, अमित शाह जी ने अडानी जी से NDTV खरीदवा लिया, जिसमें थोड़ा बहुत ईमानदारी का जरासीम या जो कीटाणु बाकी था थोड़ा बहुत, तो वो तो खरीदवा लिया। तो मीडिया तो सारी खरीदी हुई है ना, सब मनुवादियों की और RSS की खरीदी हुई है, ये इनके एजेंट्स हैं और ये तो मुलजिम बनेंगे इन सब केसेस में। ये जो अडानी जी ने, अमित शाह जी ने पैसे दिए एडवर्टीजमेंट के रूप में, ये तो सब PMLA की इन्वेस्टिगेशन में, ये लोग सब जो बड़े बड़े एंकर बढ़िया बढ़िया कोट सूट पहन के बैठते हैं और लंबे लंबे भाषण देते हैं, ये सब तो इस केस में भी और दूसरे केसेस में भी मुलजिम बनेंगे, क्योंकि ये तो उस गुनाह में, उस चोरी डकैती में 15 लाख करोड़ की शामिल हैं। लेटेस्ट जो समझने की बात है वो ये समझ लीजिए, नॉर्वेजियन जो सॉवरेन फंड है उन्होंने अडानी के शेयर बेचने शुरू कर दिए, और जो मॉर्गन स्टैनले जो कंपनी है MSCI, उसने इनकी फ्री फ्लोटिंग जो होती है ना ट्रेड, जो इनकी वर्ल्ड ओवर जो ट्रेड होता है, उसको एक वो रैंकिंग देते हैं कि ये कोई भी कभी भी खरीद सकता है, वो रिव्यू कर रहे हैं। मतलब अब अडानी का शेयर जो है एक तरह से पूरी दुनिया में ब्लैकलिस्टेड हो गया है, हो रहा है। लेकिन अब मोदी जी की मजबूरी है अमित शाह जी की वजह से इनको बचाना और पूरी ताकत लगा के बचाना, जिसकी वजह से वो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोदी जी के संबंध नहीं है, लेकिन अमित शाह साहब के थ्रू हैं। सबसे पुराने मित्र अडानी जी जो हैं वो अमित शाह साहब के, उन्होंने ही सब जगह इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने ही अहमद पटेल साहब के पास इन्हें इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये अडानी जी जो हैं बहुत, ये और अमित शाह साहब बहुत पुराने मित्र हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, और उसमें राहुल गांधी ने भी वो फोटो दिखाया कि किस तरह से साथ में बैठे हुए हैं, सफ़र चल रहा है, और उस पर सवाल भी पूछा, लेकिन मोदी जी ने तो जवाब ही नहीं दिया। तो हम देंगे ना जवाब, मोदी जी की तो मजबूरी मैंने बता दी कि अमित शाह साहब के खिलाफ। फोटो के बारे में भी आप ही जवाब दे देंगे? मैं दे दूंगा, मुझे पता है कौन कौन बैठा है। मैं बताऊँ ना, मैंने आपको बताया है कि जिस दिन ये अडानी जी अरेस्ट होंगे, मैं नाम लेके बताऊंगा कि ये व्यक्ति ने चाइना में सेटिंग कराई है, इस व्यक्ति ने जापान में सेटिंग कराई है, इस व्यक्ति ने सिंगापुर में सेटिंग कराई है, इस व्यक्ति ने, ये जो डकैती की सेटिंग है वैसी सेटिंग नहीं है कोई, श्रीलंका में इसने सेटिंग कराई है, वो सब मैं नाम लेके बताऊंगा। तो एक आखिरी चीज़ और पूछना चाहता हूँ, फिर ख़त्म करते हैं जल्दी से। ये आज जो नारे लगाए हैं सदन में विपक्ष ने, मोदी अडानी भाई भाई, क्या आपको लगता है कि पिछले 2-1 दिनों से जो ये पूरा मामला चल रहा है, तो क्या इसमें विपक्ष जिस भूमिका में आपको नज़र आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं, क्या विपक्ष मजबूत है? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि देश के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, 15 लाख करोड़ हमारे एक झटके में चुरा लिए गए देश के, तो ये सिर्फ नारों से नहीं, सड़क पे उतर के एकदम बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अडानी के सारे उपक्रमों पे, और जितने भी CBI का ऑफिस है, ED का ऑफिस है, और SEBI का ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑर्डर है, CAG जैसे है, और
ये सभी ऑफिसेज में, सीवीसी के ऑफिस में, और हमें बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे जब ही ये अरेस्ट होंगे अडानी साहब। और जो भाई भाई के नारे लग रहे हैं वो भाई भाई हैं मगर कजिन ब्रदर से एक तरह से लिया जाएगा। रियल भाई भाई तो अमित शाह साहब और अडानी हैं। मोदी जी तो क्योंकि अमित शाह साहब के भाई हैं इसलिए अडानी जी के भी भाई हैं। ये है इसकी वजाहत, सही एक्सप्लेनेशन। हाँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। भाई का भाई भाई होता है। हाँ। मोदी जी ऐसे भाई हैं। हाँ। बीच में अमित शाह साहब हैं। मिसाल दी जाती है दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन। उसी तरीके से भाई का भाई भाई, अडानी का भाई अमित शाह, अमित शाह साहब के भाई मोदी जी, मोदी जी। लिहाजा अडानी जी भी मोदी जी के भाई भाई हुए इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऐसे ही। तो विपक्ष भी इसी तरह समझ रहा है? विपक्ष इस तरह नहीं समझ रहा है, नहीं समझ पा रहा है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कह रहे हैं विपक्ष अमित शाह जी को छोड़ रहा है, डायरेक्ट मोदी जी को ले रहा है अडानी जी के साथ। मोदी जी के इतने ज्यादा संबंध डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा। अमित शाह जी के फाइनेंशियल संबंध मिलेंगे डायरेक्ट, अमित शाह साहब की पूरी फैमिली के। और अडानी ये विपक्ष को समझना पड़ेगा, डायरेक्ट सबूत उसके आएंगे, नहीं तो मछली की तरह हाथ से स्लिप हो जाएंगे दोबारा। ये नहीं, मोदी है विपक्ष को, विपक्ष को मेरी ये राय है कि अडानी जी और अमित शाह जी के डायरेक्ट संबंध हैं, डायरेक्ट सबूत हैं। अच्छा। और वो कागजों पे भी नजर आएंगे, उसके ऊपर ध्यान दें और प्रोटेस्ट शुरू करें सीबीआई, ईडी और सेबी के खिलाफ, सेबी के ऑफिस के बाहर अडानी जी के समस्त ऑफिस के खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए। और मैं अडानी जी के ऑफिस में जितने भी कुछ अगर एक आध ईमानदार लोग काम कर रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो भी सबूत उनके पास हैं इस सारे गोरख धंधे के, वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास और उसकी कॉपी विपक्ष के लीडरों के पास और जो हम पे विश्वास कर सकते हैं हमारे पास भेजें, नहीं तो उनके खिलाफ भी कल एक्शन होगा। जब इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो लोग सभी, ये जो टीवी चैनल्स वाले जो एंकर्स हैं जो आज अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं अडानी जी को, वो सब भी इसमें मुलजिम बनने वाले हैं। तो आप जो भी सबूत हैं वो दे दीजिए ताकि कल को आप अप्रूवर्स बन सकें, आपके खिलाफ लंबे टाइम की जेल में जाने की जो सजाएं होनी है वो ना। शुक्रिया पराचा जी बातचीत करने के लिए पूरे मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा की विपक्ष को राय है कि सबसे पहले तो आप जो मेन आदमी है उनकी तरफ देखिए, यानी अमित शाह जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ आप अमित शाह जी को भी देखिए इस पूरे मामले में और उनके नाम को भी लेकर आगे बढ़िए। और दूसरी राय ये है कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाए, सिर्फ सदन में नारेबाजी से कुछ नहीं होगा बल्कि इस पूरे मामले में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना होगा, तब कोई हल निकलेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ न्यूज़ एमएक्स के लिए साहिल नकवी।